हम करते हैं कि टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल मैंने उतना कुछ खास मैंने बनाया नहीं था, मेरा बस ये था कि मुझे मतलब कुछ मैंने टॉपिक्स फिक्स कर लिए थे कि मुझे इस दिन में इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, और वो मैंने किया। तो उसके लिए क्या किया, लाइक जैसे मैंने TNC का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो उसमें डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ना मतलब प्रिपरेशन कर लेती थी कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है ताकि मैं इस टेस्ट को अच्छे से कर सकूँ। हेलो, मेरा नाम ज्योति है और मैं आज हूँ आपके साथ टू डिस्कस सम टिप्स एंड स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द अपकमिंग NORSET 2022 एग्जाम्स। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी अपने इंट्रोडक्शन के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम ज्योति है, मैंने अपना ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स दिल्ली से कम्प्लीट किया है, और NORSET 2021 मेरा पहला अटैम्प्ट रहा है NORSET का, जिसमें मुझे 5th रैंक हासिल हुआ। एंड करेंटली मैं अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हूँ। और तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिसोर्सेज के साथ। तो जो बुक्स मैंने यूज़ की थी, वही कॉमन बुक्स और एनक्लिक सॉन्डर्स। थ्योरी पोर्शन के लिए मैंने सिर्फ इस बुक को थोरली पढ़ा था, एंड जो बाकी बुक्स है जो मैं आपको बताऊँगी उनके मैंने क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि मौसमी के मैंने क्वेश्चंस किए, टारगेट हाई के भी एंड प्रिया यादव के भी। तो ये है कि उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड ही करने हैं। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो उन पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए टू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है, जो NORSET का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन करने के बाद उन्हें याद भी रखना है कि उसका सही आंसर क्या था, ताकि आप वापस से जो क्वेश्चन एटलीस्ट आपने कर लिया है वो अगर आपको देखने को मिलता है पेपर में तो उन्हें आप गलत ना करके आओ, ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, स्टार मार्क करो एंड उसे आप नोट कर लो एक जगह पे, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं या ऐसे क्वेश्चंस जो याद करने वाले हैं जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ खास, बस याद करना है, तो उन्हें भी आप एक जगह नोट कर लो, ठीक है। और अगर आपको जैसे कोई डाउट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप उसके लिए अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं, अपने मेंटर की हेल्प ले सकते हैं, अपने TNC के टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, या सबसे ज़्यादा जो इजी रहेगा आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इस पर आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं जो शायद आपको बुक में समझ ना आए, तो आप इसकी हेल्प ज़रूर लीजिए। और क्वेश्चंस जो हैं आपको सिर्फ टॉपिक वाइज नहीं करने, आपको सबसे पहले तो देखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे थे, उसमें किस तरह का पैटर्न आया था, इमेज बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं या थ्योरी बेस्ड है, और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि NORSET में जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा होते हैं, थ्योरी ऑब्वियसली आएंगे क्वेश्चन थ्योरेटिकल, लेकिन जो आपके प्रैक्टिकल स्किल्स है वो उनको ज़्यादा टेस्ट करता है। तो अगर आप मान लीजिए अभी स्टूडेंट्स हैं और आप लाइक 23 NORSET 24 इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने वार्ड्स में, OTs में, ICU में, उनको आप बहुत ही लाइक केयरफुली देखिए, उनके नोट्स बना के रखिए, क्योंकि यही काम आएगा आपको NORSET में, ठीक है। और तो ये हो गई बुक्स की बात। सॉन्डर्स को मैंने थोड़ा लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, और फिर मैंने सारे क्वेश्चंस उसके किए थे, और जो डाउट था मैंने फिर मौसमी में थोड़ा सा चेक कर लिया उसको कि उसमें क्या लिखा है इस टॉपिक के बारे में, और उससे मेरे वो डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं होते तो आप इससे पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं या अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब हो गई क्वेश्चंस की बात या पढ़ना कहाँ से है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपने अपना 90% सिलेबस कम से कम अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा, बिकॉज अभी आई गेस बस एक मंथ के अप्रॉक्स बचा है एग्ज़ाम में, तो मुझे उम्मीद है, पर अगर नहीं किया है तब भी आपके पास अभी काफ़ी वक्त है, और जो आपकी प्रिपरेशंस अधूरी रह गई हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं, और इसमें आपको काफ़ी अच्छी रैंक अचीव हो सकती है अगर आपने मन लगा के अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया तो, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल मैंने उतना कुछ खास मैंने बनाया नहीं था, मेरा बस ये था कि मुझे मतलब कुछ मैंने टॉपिक्स फिक्स कर लिए थे कि मुझे इस दिन में इतना
पोर्शन कंप्लीट करना है और वो मैंने किया। तो उसके लिए क्या है कि आप लाइक जैसे मैंने TNC का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो उसमें डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ना मतलब प्रिपरेशन कर लेती थी कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है ताकि मैं इस टेस्ट को अच्छे से कर सकूँ। ठीक है, तो अभी भी TNC ने स्टार्ट कर रखा है टेस्ट सीरीज़, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप लाइव टेस्ट दीजिए ताकि आपको अपनी रैंक पता चल सके। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ बुक्स पढ़ ली उससे आपको क्या पता कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, ये जानने के लिए कि NORSET 2022 में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होंगे और आप उनमें कहाँ स्टैंड करते हो, तो आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उसी से आपको ये सब पता चलेगा। और आप TNC का अगर लाइव टेस्ट देते हो तो उसमें आपको अपनी रैंक के बारे में पता चलता है एंड आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो रखी है ये भी पता चलेगी, और उस अकॉर्डिंग आप अपने लाइक जो स्ट्रेटजी है या जो आपका रूटीन आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक, काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना के रखिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो थोड़ा निकल जाएगा और आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पे। तो खाने पीने पे ध्यान दीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं तो वो भी करिए, और जो भी मतलब आप बीच में ब्रेक लेके काम करिए ताकि आपका फोकस बना रह सके। कोई भी लगातार 4 घंटे नहीं पढ़ सकता, आप 1 घंटा पढ़ के ब्रेक लीजिए या आधा घंटा पढ़ के ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, और उसमें जो आपको पसंद है लाइक वॉक करना है वॉक कर लिया, कुछ आपका फेवरेट म्यूज़िक है वो सुन लिया। ठीक है, या कोई आपका फेवरेट पर्सन है आपके पास उनसे बात करनी है आप उनसे बात कीजिए, पर जो टाइम है उसका लाइक आपको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आपको काफ़ी और डाउट्स हैं कि किस तरह से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या कोचिंग ले सकते हैं तो आप हमारे भोजराज सर से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऐप का, TNC ऐप का, आप उसे ज्वाइन करिए। एंड आपको और कोई गाइडेंस या काउंसलिंग चाहिए तो सर आपको बता देंगे। आई होप सो कि ये सारे टिप्स आपके काम आएंगी और आप अपने अनुसार इसको मॉडिफाई करके यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज सबकी स्ट्रेटजी सेम नहीं होती, एवरी वन इज़ यूनिक ना, तो स्ट्रेटजी भी सबकी अलग होती है। आपको जो पसंद आए जो सही लगे उसका इस्तेमाल करिए, यू आर अ मैच्योर पर्सन नाउ। ठीक है, तो आई होप सो कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड ऑल द बेस्ट।